इसके अंदर इनसे किसी ने पूछा कि अनल हक की ज़बान और मुतरजम उर्दू, इसके अंदर इनसे किसी ने पूछा कि अनल हक के क्या माने हैं। जवामीउल कलीम है ये, मेरे पास मुरतबा सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी जो इनके बेटे की किताब तर्जमा प्रोफेसर मोइनुद्दीन दरदाई और अदबी दुनिया मटिया महल दहली की छपी हुई और जनाब अली मलफूजात ख्वाजा बंदा नवाज गेसू सन 1414 मुताबिक 1994 हिजरी तबे अव्वल 100 रुपए इसकी कीमत, ये किताब, इसके अंदर इनसे पूछा गया कि मखदूम साहब ये बतलाएं कि अनल हक का क्या मतलब है। तो मखदूम साहब फरमाते हैं कि लोगों ने इस जुमले के माने गलत समझे, लोग खिलाफे शरा इसको कहते हैं, हकीकत यह है कि मंसूर अज खुद रफ्ता होकर अपना वजूद खो बैठे थे और खुद अल्लाह ने उनके मजहर में अनल हक पुकारा था। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह सूफी मंसूर के अंदर से कौन बोल रहा था? अल्लाह अवतार लिया था। सूफी मंसूर मजहर माने अवतार लेना, क्या लेना? अवतार लिया था। जिस तरह दरख्त के मजहर में मूसा ने अल्लाह से कहा था इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, इसी तरह हुसैन मंसूर के मजहर में उसने अनल हक की अल्लाह ने आवाज लगाई, लोगों ने उसको सुनकर खिलाफ शरा समझा और जमा होकर उनको कत्ल कर दिया, हालांकि उनका कोई कसूर और जुर्म नहीं था। अरे जो उसको काफिर ना माने वो उसको मैं उसको काफिर समझता हूं। और ये बंदा गेसुना पल्ले दर्जे का शिया खबीस, इसकी दरगाह को हमारे हिंदुस्तान के अंदर गुलबर्गा के अंदर लोग पूजते हैं और ये सुन्नी अपने आप को कहने वाले, अरे मुसलमानों तुम कहां भटक रहे हो? अपने नबी की तालीमात जो मौजूद है, तुम इन चौड़े चमारों और इन बदमाश और लुटेरे और काफिर और जिंदीक और शी और राबजियों के चक्करों में तुम कहां फंस रहे हो? निकल आओ, और कुरान और सुन्नत तुम्हें आवाज देते हैं नबुवत के दावे से। मेरे पास एक और किताब मौजूद है तज़किरतुर रशीद, देवबंदी इसमें पीछे नहीं है, ये सब इसमें मौजूद हैं। मेरे अजीज अगर किसी ने वजाहतन नबुवत का दावा किया है तो किसी ने इशारतन भी नबुवत का दावा किया है। तज़किरतुर रशीद मौलाना रशीद अहमद गंगोही मोहम्मद आशिक अली साहब मेरठी की यह लिखी हुई किताब, कहते हैं जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 17, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 17, इसके अंदर हजरत फरमाते हैं और कहते हैं कि जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर तज़किरतुर रशीद, कहते हैं कि आपने कई मरतबा बहैसियत तबलीग ये अल्फाज जुबाने फैज़े तर्जमान से फरमाए। सुनो नए नबी का दावा किस तरह हो रहा है। कहते हैं सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और बकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। बोलो अल्लाह तो ये कहे इन तुतीउहु तहतदू, अगर मेरे नबी की इताअत करोगे इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। रशीद अहमद गंगोही इत्तिबा का दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये देवबंदियों के बहुत बड़े कुतुबुल अख्ताब हैं। बहरहाल तुम इनको क्या कहोगे? कादियानी ने तो जिल्ली बुरूजी का कहा और यहां तो जनाबे आली इत्तेबा निजात मौकूफ है इनके ऊपर, है ना? और इसी तरह से आइए आखिर में जरा सा एक और बात मैं आपको बताऊं। आखिर में असरार हकीकी, वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, आखिर में ये जरा सा मैं असरार हकीकी के हवाले से दो बातें बस बात खत्म करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत गंद मौजूद है मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ये किताब किसकी है मालूम है? ये किताब है उर्दू तर्जमा मकतूब हजरत सुल्तानुल हिंद मुश्तमिल बरपंज बिनाए इस्लाम मारूफ बा इसरार हकीकी हिस्सा अव्वल, सुल्तानुल हिंद कुतुबुल औलिया हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने खलीफे खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम सादिर फरमाया। अल्लाह वाले की कौमी दुकान रजिस्टर्ड मालिक मलिक चन्नुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दी ताजर कुतुब बाजार कश्मीरी लाहौर आशिकान रसूल और मुहिब्बान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बा मुहावरा उर्दू तर्जमा कराकर हिमायत इस्लाम प्रेस से इसको छपवा कर शाया किया। चुनांचे कहते हैं कलमे तौहीद का मतलब और मफहूम, कहते हैं कि बहरहाल बड़ा वाकया लंबा है, मैं बहुत ही मुख्तसर में एक बात बताऊं। कहते हैं ऐ उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लंबी हदीस इन्होंने जिक्र की है और ये खत लिखा है ख्वाजा बख्तियार काकी को। कहते हैं नबी ने कहा कि ऐ उमर, जो अल्लाह को मन आरफ अल्लाह ला यकुलु अल्लाह व मन यकुलु अल्लाह मा आरफ अल्लाह, जो अल्लाह जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो अल्लाह अपनी जुबान से नहीं कहता,
जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो अपनी जुबान से अल्लाह का नाम नहीं लेता, और जो अल्लाह का नाम अपनी जुबान से लेता है मा अरफ अल्लाह, उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, उसने अल्लाह को, ये उल्टी गंगा अजमेर से बह रही है, कहां से? हाँ, ये सुल्तानुल हिंद है। कौन है ये? ये सुल्तानुल हिंद है जिनकी तालीम है। नबी तो सौ सौ हजार सौ सौ दफा सत्तर सत्तर दफा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते हैं हम दिन भर में, अल्लाह से तौबा करते हैं। और ये कहते हैं अल्लाह अल्लाह को अल्लाह के नबी नहीं पहचानते थे। और सुने, हफ्ते उमर ने कहा हजरत ये कैसी मारिफत कि बंदा अपने मालिक का नाम ना ले? कहते हैं लेने की क्या जरूरत है? अरे उमर, जो शख्स हर वक्त हमराह हो और किसी वक्त नजर से ओझल ना हो उसका याद करना जरूरी थोड़ी है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह हमारे हमराह कहाँ है? कहते हैं कि बंदे के अल्लाह दिल में है। कहते हैं कि क्योंकि मोमिन का मोमिन कामिल दर हकीकत अर्श होता है, और कलबुल मोमिन अर्शुल्लाह, और मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। इसी तरह से कहते हैं कि कहते हैं कि अल्लज़ीना लैसल मोमिनून अश्तमुन फिल मसाजिद व यकुलून ला इलाहा इल्लल्लाह, मोमिन वो नहीं जो मस्जिद में जमा होते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। वो लोग मोमिन नहीं है जो ला इलाहा पढ़ते हैं, जो मस्जिद में जमा होते हैं, वो मोमिन लोग नहीं है, बल्कि इससे नावाकिफ हैं। वो नहीं जानते कलमे तौहीद का मतलब क्या है। चुनांचे कहने लगे, हफ्ते उमर ने कहा कलमे तौहीद का मतलब क्या है? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कलमे तौहीद का मतलब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई मौजूद नहीं है, अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मौजूद, ये हम तुम सब जानवर चन्नर चरिंद परिंद आसमान ये सब अल्लाह है, कोई जो जो भी मौजूद है सब अल्लाह है, और मोहम्मद मजहरे खुदा हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहरे खुदा हैं। इसी तरह से किसी ने और किसी ने, अरे बहुत बातें हैं इसमें, किसी ने कहा कि हजरत ये बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर पुरसीद या रसूलल्लाह जाते खास हजरत चे बाशद, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोद अना अहमद बिला मीमिन। हजरत उमर ने पूछा कि हजरत या रसूलल्लाह आपकी जात क्या है, यानी आपके जात की हकीकत क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अहमद बिला मीमिन, मैं अहमद हूँ बगैर मीम का, बगैर मीम का मैं क्या हूँ? अहमद हूँ। अहमद में से मीम हटा दो तो क्या बाकी बचता है? बोलो अहद, कुल हुवा अल्लाह, अल्लाह ही अहद है। तो ये अहमद हैं बगैर, इनका यह अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मजहरे खुदा हैं, वही खुदा हैं। चुनांचे किसी शायर ने कहा वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर, उधर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा बनकर। और कव्वाल भी कहते हैं कि बगैर आयन का एक अरब मैंने देखा मदीने में, बगैर आयन का एक अरब मैंने देखा। अल मुहिम अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, इसके अंदर इस कदर कुफ्रिया बातें हैं कि अगर ये किताब, जैसा कि साहब किताब ने मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ मंसूब किया है इस किताब को, अगर इस किताब ये किताब मोहिनुद्दीन चिश्ती ने लिखी है और जैसा कि कलमा भी इसने पढ़वाया है, तो ये अल्लाह की कसम जैसा कि इनकी किताबों में लिखा है, ये काफिर था, ये मुसलमान नहीं था, जिनको हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के नाम से याद करते हैं। और ये मेरा दावा है और मेरा चैलेंज है, जाओ, ये मेरे घर की किताब नहीं है, ये तुम्हारे घर की किताब है। तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन के इन खतों को इस किताब के अंदर नोट किया है, और इस खत से जाहिर होता है कि ये मुसलमान नहीं था, बल्कि ये मुसलमान के नाम पर कुफ्र को, शिर्क को, यहूदियत को, ब्राह्मणियत को, हिंदुइज्म को दुनिया के अंदर फैला रहा था, वहदतुल वजूद का कायल था, ये कादियानियत से भी बदतरीन था। तो बताओ मुसलमानों, ये सब कुछ का दावा करके, इस तरह का अकीदा रखते, दुनिया के सुल्तानुल हिंद बने, मिर्जा कादियानी ही काफिर क्यों है? ये बोलो, इनको किस खाते में रखोगे? और ये तमाम सब जो हवाले हमने दिए हैं इनको संजीदगी के साथ, और जो हवाले हमने दिए हैं, जाओ, दुनिया का कोई माई का लाल इन हवालों को गलत नहीं साबित कर सकता। ये तमाम हवाले मौजूद हैं, इन हवालों की रोशनी में मैं कहता हूं कि, और मेरा यह अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर था, उसके मानने वाले काफिर हैं, और जो उसकी पैरवी करे वो भी काफिर है, और जो कादियानी जैसे अकीदे रखे वो भी काफिर है, और ये सूफियों के जो अकीदे इन किताबों में मौजूद हैं, जो हवाले मैंने दिए हैं, इन तमाम हवालों की रोशनी में जो ये अकीदा रखे वो भी काफिर है, भले वो किसी का कुतुब हो, अख्ताब हो, गौस हो, कोई भी हो, ये अकीदे रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर तुम कादियानी को काफिर कहते हो तो फिर इन्हें काफिर क्यों नहीं कहते? इसलिए कि तुम्हारे पीर और मुर्शिद हैं, इनकी इनसे तुम्हारी जेबें भरती हैं। मुसलमानों, इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो, अल्लाह और उसके रसूल का दीन कयामत तक मौजूद रहेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तरक तो
رأيتكم على المحجة البيضاء. مين تمهت